आई डोंट नो, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है. Honestly, this is actually my real look जो Valentine's Day पे होती है, because मैं घर बैठ के Netflix देख रही होती हूँ. बच्ची के यार, जो लोग जाते हैं उनके लिए तो हम लोग create कर ही देते हैं ना. Let's get started. Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. And finally the month of love is here. Finally, मैंने ऐसे बोला है जैसे मैं बहुत ज़्यादा wait कर रही हूँ इस month की, मुझे तो वो शौक नहीं है. But yes, there are a lot of people who celebrate these hug day, chocolate day, rose day, Valentine's Day. तो मुझे लगा एकदम perfect occasion है to create a nice Valentine's Day makeup look. And I'll be just using 5 प्रोडक्ट्स ओनली. मैं बिल्कुल मिनिमल रखने वाली हूँ कि कम से कम प्रोडक्ट्स आप कितनी अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हो. और ये सारे प्रोडक्ट्स एकदम सुपर अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं, फ्रॉम अमेजोन, इनसाइट, मार्स, देन वी हैव स्विस ब्यूटी एज वेल. तो ये सब कुछ काफी अफोर्डेबल होने वाला है. लेट्स जस्ट होप ये मेकअप लुक अच्छी टर्न आउट हो, बिकॉज मैं खाली इमेजिन कर पा रही हूँ, मैंने भी क्रिएट नहीं करी है. यू कैन सी आई एम बेयर मेकअप राइट नाउ. जस्ट इन केस यू आर न्यू हेयर, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड विदाउट एनी फर्दर टू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल सेट फॉर द मेकअप. स्किन प्रेप मैंने पहले ही कर लिया था, बिकॉज इस वीडियो में मैं मेकअप पे फोकस करने वाली हूँ. बट जस्ट इन केस यू इंटरेस्टेड कि मैं स्किन केयर कैसे करती हूँ मेकअप से पहले, मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी. मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको विंटर स्किन केयर एंड मेकअप रूटीन दिखाया था. सो सिंस ये डेट नाइट मेकअप लुक है, मैंने आज SPF नहीं लगाई, बिकॉज रात को SPF की जरूरत नहीं होती. अगर आप डे टाइम का लुक क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक अच्छी SPF भी लगानी पड़ेगी. सो क्विकली मूविंग ऑन टू मेकअप. स्टेप नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 1 ऑफ दिस मेकअप लुक हैज टू बी अ नाइस प्राइमर. तो मैं यूज करने वाली हूँ ये इनसाइट का 3-in-1 प्राइमर. प्राइम्स प्रोटेक्ट मॉइस्चराइजर्स, लॉन्ग लास्टिंग ये प्राइमर है. मैं ऑलरेडी इसका एक रिव्यू एक अफोर्डेबल मेकअप हॉल में दिखा चुकी हूँ. सो ये काफी अफोर्डेबल एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. सो दिस इज ऑल द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइमर लुक्स लाइक. जितने भी हाई एंड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आते हैं ना, आई थिंक ये इक्वलेंट उसी की तरह एक बिल्कुल काम करता है. तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइमर लेने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे से पोर्स को फिल कर देता है. सो इसको मैं स्टार्टिंग में अपने हैंड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर लगाती हूँ, बिकॉज यहाँ पे पोर्स का इशू ज्यादा है. यहाँ पर मुझे हल्के हल्के एक्ने स्कारिंग है, जो गड्ढे होते हैं ना वहां पर, इसलिए लगाती हूँ. यहाँ पर मुझे हल्का सा व्हाइट हेड्स का इशू है, तो यहाँ पे अनइवननेस होती है. और फोरहेड्स में मेरे फाइन लाइंस बहुत जल्दी आती है मेकअप की वजह से, तो इसलिए मैं इस एरिया में पहले प्राइमर को डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद में पूरे फेस पे इसको ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ. इसके अंदर बहुत हल्की फ्रेग्रेंस है, विच इज़ वेरी माइल्ड, बिल्कुल भी इसमें लाउड वाली फ्रेग्रेंस नहीं है. और ये बहुत अच्छे से एक स्मूथ कैनवस बना देता है स्किन के ऊपर, सो दैट मेकअप मेरा स्किन के अंदर भी नहीं जाता, बिकॉज जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है वो एक बैरियर भी बना देते हैं. प्लस एक स्मूथ बेस बनता है ना, तो मेकअप भी काफी फ्लॉलेस निकल के आता है. ना सिंस हम मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स ही यूज करने वाले हैं, इसलिए मेरे पास स्पेस ही नहीं थी एक कलर करेक्टर को इस लिस्ट में इंक्लूड करने की, इसलिए मैं एक फुल कवरेज फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ. सो इससे पहले मेरा प्लान था मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज करने का. यू गाइस नो मेरा OG फेवरेट फाउंडेशन है फॉर अ नाइस फुल कवरेज मेकअप लुक, लेकिन मुझे अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना था. सो मैंने ये परचेज किया अमेज़न से, स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन, सिल्क टच क्रिएट द न्यूड मेकअप. सो ये हाई कवरेज इसने क्लेम किया है, सो देखते हैं कितनी कवरेज आती है हमारी एक्ने मार्क्स की. मैं जितने भी यूट्यूबर्स को देखती हूँ, लाइक लिटरली वेरी फ्लॉलेस, एकदम क्लीन उनकी स्किन होती है, कोई एक्ने मार्क्स एंड ऑल नहीं होते. तो मुझे कभी कभी ना उनके रिव्यूज देख के वो रिलेटेबिलिटी नहीं आती, बिकॉज जब तक आपकी स्किन पे अच्छी खासी एक्ने मार्क्स कारिंग नहीं होती, यू डोंट नो कि वो चीज कवरेज उतनी देरी या फिर नहीं देरी. सो मेरी स्किन पे इसका एक रियल टेस्ट होने वाला है. मैंने बाय द वे शेड पिकअप किया है 04 नेचुरल न्यूड. ये वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन अपने आप को क्लेम करता है. शेड्स काफी लिमिटेड थे, बिकॉज ऐसी जो ब्रांड्स होती है ना, ये इतने वाइड वैरायटी शेड्स नहीं बनाती. जैसे मेबलिन सुपर स्टे में आपको अच्छे खासे शेड मिलते हैं, सो ये नेचुरल न्यूड मुझे लगा काफी क्लोज है मेरी स्किन टोन से. आई होप इट मैचेस माई स्किन. काफी अच्छी आपको बॉटल मिल रही है, द क्वांटिटी इज रियली नाइस. यू गेट ह्यूज बॉटल एंड काफी लग्जूरियस भी है फॉर द प्राइस पॉइंट. सो एक बार स्वॉच करके देखते हैं. ओके, इट मैचेस माई स्किन, मतलब थोड़ा सा क्लोज है. नेचुरल न्यूड जो है वो थोड़ा थोड़ा मेरी स्किन टोन पर जा रहा है. या कैन यू सी, सो आई थिंक ये हमारी स्किन पे मैच हो जाएगा. एक पंप और ले रही हूँ और इसको थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ अपनी स्किन के ऊपर. थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ इस बार फाउंडेशन की, बिकॉज कलर करेक्टिंग नहीं करी है, कंसीलर हम यूज नहीं कर रहे, तो हमें खाली इसी से एक फुल कवरेज अचीव करनी है. फ्रेग्रेंस है इसकी हल्की सी, जैसे वो पाउडर वाली खुशबू आती है ना, टैल्कम वाली, वैसी इसमें खुशबू आ रही है. सो लेट्स सी हमारी फेस पे कैसी कवरेज देता है. तो सबसे पहले मैं हाथों से ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. तो प्रोडक्ट को मैंने थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने फेस के ऊपर. आई बी यूजिंग दिस फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश. ये भी अमेजोन से ही मैंने लिया था, एक सिंपल सा अफोर्डेबल ब्रश सेट है. मैं इसका लिंक भी दे दूंगी नीचे इफ यू आर इंटरेस्टेड. इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे अपने चैलेंज में, बिकॉज हम खाली मेकअप प्रोडक्ट्स ही बात करें, वरना ज्यादा हो जाएंगे यार. सो आई जस्ट क्विकली ब्लेंड दिस फाउंडेशन इन टू माई स्किन. और ये बहुत जल्दी सेट हो रहा है. ओके, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी ब्लेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन सी एकदम सेट होना शुरू हो गया. सो आई थिंक ये
थोड़ा सा इन्होंने मैट इफेक्ट में बनाया, बिकॉज मैट फाउंडेशन जो होते हैं वो बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाते हैं. एंड इट्स अ प्रिटी गुड मैच, मतलब मेरी स्किन एकदम लाइट और पेल नहीं लग रही, थोड़ा बहुत तो ऑक्सीडाइज होता ही है फाउंडेशन, तो उस हिसाब से मुझे ये मैच एकदम सही लग रहा है. आई अप्लाइड अ नाइस इवन लेयर ऑफ दिस फाउंडेशन. अब मैं लेने वाली हूँ मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि जितना भी एक्सेस है फिर जो भी केकअप हो रहा होगा ना वो इजिली ऐसे सेट हो जाता है. ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है बाय द वे. मैं कभी भी डायरेक्टली यहाँ से पिकअप करके फाउंडेशन ब्लेंडर से नहीं अप्लाई करती हूँ, बिकॉज सारा ब्लेंडर ही सोकअप कर जाता है, फाउंडेशन वेस्ट होता है और आपकी स्किन पे कवरेज नहीं आती. सो हमेशा अपना फाउंडेशन फिंगर से या फिर कोई भी ब्रश से अप्लाई करके फिर आप एक ब्लेंडर से उसको सेट कर सकते हो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द कवरेज. आप पास से देख सकते हो मेरे जितने मेजर एक्ने मार्क्स है वो कितने अच्छे से कंसील हो गए. ऑब्वियसली 100% फ्लॉलेस लुक नहीं आई, बिकॉज जब तक कलर करेक्शन ना करो ना वो एकदम एक्ने मार्क्स कंसील नहीं होते. बट डेट नाइट के हिसाब से फिर अगर आप हल्के फुल्के इवेंट के लिए मेकअप देख रहे हो ना, आई थिंक ये फाउंडेशन मुझे काफी सही लगा. बहुत रेयर होता है जब खाली फाउंडेशन से ही मुझे इतनी अच्छी कवरेज मिलती है, बिकॉज यू नो मुझे एक्ने मार्क्स हैं थोड़े बहुत, प्लस मुझे पिगमेंटेशन भी है. एंड सिंस हमारे पास लिमिटेड मेकअप प्रोडक्ट्स ही हैं, तो मैं इसी को अपनी अंडर आइज पर यूज करने वाली हूँ. एंड वैसे ही मैं रियल लाइफ में ना कंसीलर इतना यूज नहीं करती, हाईलाइटिंग वाला वो मैं तभी करती हूँ जब कोई वेडिंग फंक्शन या फ्लैश फोटोग्राफी वाला कोई नाइट इवेंट होना होता है, बिकॉज डेट नाइट पे या फिर इधर उधर जाना होता है फिर डे टाइम के लिए हाईलाइटिंग कंसीलर ना बहुत ज्यादा केकी लगते हैं. सो मैंने सेम फाउंडेशन लिया है और मैं इसको मैं ब्लेंडर से पिकअप करूंगी, बिकॉज अंडर आइज पे ना क्रीजिंग बहुत जल्दी आ जाती है, तो अगर मैं वेट ब्लेंडर से अंडर आइज पे अप्लाई करती हूँ ना तो काफी फ्लॉलेस अप्लाई होता है. एंड आई जस्ट अप्लाई इट ऑन माय अंडर आइज फॉर नाइस एक्स्ट्रा कवरेज. आई रियली लाइक द कवरेज ऑफ द फाउंडेशन. मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था. आप भी बहुत वीडियोज देखते होंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे अफोर्डेबल ब्रांड्स में फाउंडेशन पसंद नहीं आते, वो काम नहीं करते. मैंने एक इनसाइट का यूज़ किया था, वो जो ड्रॉपर वाला आता है जो बहुत यूट्यूबर्स का फेवरेट है, वो फेल हो गया था मेरी स्किन के ऊपर, बिकॉज मेरे जितने भी एक्ने मार्क्स थे उससे नहीं हाइड हुए थे. सो मैंने ब्लंटली बोल दिया था आई डेंट लाइक इट. नाउ कमिंग टू द आईज, आई बी यूजिंग द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज उसी को मैं मल्टीपर्पज वे में यूज करने वाली हूँ. आई बी यूजिंग स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट. ये मैंने आपको किसी अमेजन हॉल में दिखाया हुआ है. वी गेट अ नाइस फुल साइज मिरर ओवर हेयर, जिसके साथ आप इजीली ट्रैवल करके लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज अच्छा खासा बड़ा मिरर है, अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती. सो इट्स बेसिकली अ ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट. वी आर गेटिंग ब्लश शेड्स, यहाँ पे आपको जितने भी शेड्स मिल रहे हैं ब्लश के हैं, एक आपको कॉन्टोर शेड मिल रहा है, आई थिंक यही वाला एक पैलेट है, इसका कोड है 04. तो ये जो 04 पैलेट है ना, आई थिंक इसी पैलेट में आपको कॉन्टोर शेड मिलता है और किसी पैलेट में आपको नहीं मिलता. एंड देन वी हैव टू शेड्स ऑफ हाईलाइटर एज वेल. इसी पैलेट के ब्लश शेड्स को एज आई शेडो यूज करने वाली हूँ. सो देखते हैं आई शेडो की तरफ कर पाता है नहीं कर पाता. आई थिंक आई एम गोना पिक अप दिस पर्टिकुलर शेड, बिकॉज ये हल्का हल्का एक न्यूट्रल पिंक सॉर्ट ऑफ पीची सॉर्ट ऑफ कलर है जो मेरी आईज के लिए एकदम परफेक्ट है. मैं बिल्कुल भी लाउड आईज नहीं करने वाली, एज आई टोल्ड यू बिल्कुल हमें नॉर्मल रखना है रियल लाइफ के हिसाब से. सो मैं एक्सेस को यहाँ पे हैंड्स पे ले लूंगी, ताकि बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट्स आए मेरी आईज पे. एंड आई जस्ट स्टार्ट विद द आउटर एरिया फर्स्ट, और मैं उसको अंदर की साइड लेके जाने वाली हूँ जस्ट लाइक सो. बिल्कुल सिंपल रखेंगे, बिकॉज जितने भी हमारे नूब्स हैं जस्ट लाइक मी, बिकॉज मुझे भी आई शेडो इतना प्रो करना नहीं आता. सो हम बिल्कुल एकदम सिंपल लुक रखेंगे. थोड़ा बहुत मैं दोबारा लेके उसको इंटेंसीफाई करूंगी बाहर की साइड, ताकि एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन जैसा क्रिएट हो सके. मैं अब इस कलर को ज़्यादा अंदर तक ड्रैग नहीं करूंगी, हल्का हल्का मैं बाहर प्लेस कर रही हूँ. नाउ विद माई फिंगर्स आई बी पिकिंग अप दिस सिल्वर हाईलाइटर. इसके अंदर दो हाईलाइटर हैं, गोल्डन एक सिल्वर है, तो मैं ये सिल्वर टोन हाईलाइटर पिकअप करती हूँ. इट्स पिगमेंटेड, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था एज अ हाईलाइटर. आई थिंक इस एक वीडियो में आपको शायद यूज़ करके दिखाया था. सो मैं इसको इनर कॉर्नर से लेके मिड तक लेके आऊँगी एज अ शिमरी आई शेडो, और मैं फिंगर से पिकअप कर रही हूँ ताकि मैक्सिमम मुझे इफेक्ट मिले. और थोड़ा सा मैं हल्का सा इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज जब इनर कॉर्नर को शिमरी कर दो ना तो आईज एकदम बड़ी बड़ी ग्लूमी लगती हैं. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज. तो अपर आईज आर डन. मैं लेने वाली हूँ सेम ब्रश सेट का, ये स्टार्ट मेकर्स का ब्रश सेट है, ये मैंने अमेजोन से लिया था, मैं नीचे लिंक कर दूंगी. उसमें ये ब्रश आता है जो सॉर्ट ऑफ फ्लैट शेडर होता है, लेकिन साइड से ऐसा कुछ होता है, मतलब फ्लफी भी है लेकिन थोड़ा सा फ्लैट शेडर जैसा है. सो ये मेरी लोअर लैश लाइन के लिए एकदम परफेक्ट होता है. जब मुझे लोअर लैश लाइन पे कुछ कलर डिपॉजिट करना होता है ना, ये ब्रश एकदम परफेक्ट रहता है. सो मैं सेम वही कलर लेने वाली हूँ, हल्का सा मैं लाइट पिंक के साथ मिक्स कर लूंगी और इसको मैं अप्लाई करूंगी मेरी लोअर वाटर लैश लाइन के पास, बिकॉज मैं कोई काजल लाइनर नहीं यूज कर रही हूँ, बिकॉज लिमिटेड प्रोडक्ट्स है इस वीडियो में. तो जब लाइनर काजल ना लगाओ तो नीचे साइज बड़ी अधूरी लगती है, और ऊपर कलर आएगा नीचे कुछ नहीं होगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा. तो मैं सेम कलर को नीचे वाटर लाइन के पास अप्लाई कर लूंगी, ताकि एक नाइस कंप्लीट सॉर्ट ऑफ एक मेरी मेकअप लुक लगे. एंड आईज आर डन, आई क्विकली डू माई अदर आई एंड कम बैक. आई
shadow is done. Now moving on to mascara, because mascara ke bina puri eyes jo hai badi incomplete lagti hai. So I'll be using this Dazzler Eterna mascara. Do you remember the video jo maine ek Amazon makeup testing video banayi thi affordable makeup ki? Usme maine ye set liya tha basically. So iske sath ek eyeliner bhi aata hai, 250 something rupees ka aata hai, very very affordable. Aur wo eyeliner us video mein khula hi nahi tha, matlab maine itna struggle kiya tha. Do let me know ki aapko video yaad hai fir nahi yaar. Recently main literally wo liner fake wali thi. I was like bahut ho gaya yaar, ab ye khul hi raha to main iska kya karu. Maine last chance, I was like last pro mai khol ke dekhti hu, khul gaya to theek hai, otherwise I'll throw it. Aur wo khul gaya, matlab us time maine bilkul bhi energy nahi lagayi, maine halka sa aise kiya aur wo khul gaya. I was like ye kya hua, us din to khula nahi aur ab khul gaya. Wo liner basically maine use karke dekha hai, I like it, but since I'm a limited makeup use karne wale, I'll be just using the mascara. Sabse pehle main apni lashes ko curl kar leti hu, because bina curl kare mascara lagana means aur apni lashes ko क्लम कर देना. इफ यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक डोंट डू दैट. मस्कारा भी डिसेंट है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से. हर्बल्स अपने मस्कारा है, अपने आपको क्लेम करते हैं हर्बल. सो दिस इज हाउ द मस्कारा वॉन्ट लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी नाइस डिसेंट मस्कारा. इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा ये. और बिल्कुल मतलब लैशेज में इतनी कोई वॉल्यूम नहीं ऐड करता, लेकिन मेरी लैशेज अच्छे से कर्ल हो जाती हैं और कोट हो जाती हैं, एंड दैट इज इट आई वॉन्ट फॉर अ नेचुरल डे टाइम सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक. कैन यू सी द डिफरेंस विद मस्कारा एंड विदाउट मस्कारा, कितना मेजर डिफरेंस आता है. सो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, आई थिंक अगर आप आई शेडो भी लगा रहे ना, आप खाली हाईलाइटर शेड भी पिकअप करके अपनी पूरी आईज पे लगा लो, एक नाइस शिमरी आईज हो जाती है, और मस्कारा लगा लो, यू आर गुड टू गो. मैं थोड़ा बहुत मस्कारा अपनी लोअर वॉटलाइन पे भी लगा लेती हूँ. जितना भी एक्सेस है ना, मतलब इसके ऊपर लगाओ, उसको मैं अच्छे से हटा दूंगी, एंड आई विल यूज इट ऑन माई आईब्राउज. मेरी आईब्राउज जो है वो ब्लैक कलर की है, तो मस्कारा से मेरा काम चल जाता है और मैं अलग से कोई प्रोडक्ट भी नहीं यूज करने वाली. जस्ट ब्रश देम फर्स्ट एंड देन go in the same direction जिस direction में hair growth जा रही है, and that's it. बहुत light hands में लगाया है, and you can see the difference. ये कितनी अच्छी defined लग रही है और ये कितनी undefined लग रही है. दो आपकी eyebrows bushy हो, लेकिन कभी कभी gaps होते हैं ना, उसकी वजह से पूरी look complete नहीं हो पाती. I'll quickly do this eye and come back. This is what happens behind the scene. मैं जब भी mascara लगा रही थी और एकदम मेरी eyes के अंदर चला गया और मैंने ऐसे किया और वो नीचे सारा wand लग गया. आई डोंट नो, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है. मैं जब मिरर के सामने करती हूँ मेकअप एकदम परफेक्ट होता है, जब शूट करने बैठती हूँ ना, पता नहीं क्या ही हो जाता है. 2000 years later. Eyes are done. As usual, tutorial बनाने बैठो और कुछ हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. मैंने मस्कारा पोक कर दिया था अपनी लेफ्ट आईज में, बट इट्स डन नाउ. मैंने अच्छे से क्लीन करके वापस आई शेडो किया है. हमेशा ऐसे होता है यार, आई डोंट नो, जब ट्यूटोरियल बनाने बैठो ना क्यों ऐसा हो जाता है. बट कमिंग टू द ब्लश पार्ट, नाउ प्रो ब्लश पैलेट है तो ऑब्वियसली ब्लश हम इसी में से लेने वाले हैं. सो आई थिंक आई एम गोना पिक अप दिस पर्टिकुलर ब्लश ओनली. आई थिंक मुझे यही पीच सॉर्ट ऑफ कलर पसंद है, बिकॉज ये सारे लाउड पिंक को जाते हैं. मुझे इतना ज्यादा ब्लश अपनी चीक्स पे नहीं पसंद, तो यही पीची सॉर्ट ऑफ कलर मैं लेने वाली हूँ फॉर माई चीक्स. And I'll just pick it up. और ये है slant कबूकी ब्रश. कबूकी ब्रश हल्का सा slant है, सेम सेट में से है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी. एक्सेस को यहाँ पे लेने वाले हैं, एंड अगेन यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं करना, बिकॉज बहुत ज्यादा पिंकी पिंकी हो जाता है. आज के लिए हैक चल रहा है ना कि लिफ्ट अगर करना है अपने फेस को, तो यहाँ से ब्लश लगाना शुरू किया करो. सो मैं यहाँ से ही लगाऊंगी, एंड आई जस्ट अप्लाई ओनली दिस पर्टिकुलर रीजन. एंड यू कैन सी ये ब्लश बहुत प्यारा लगता है मेरी चीक्स के ऊपर. आई थिंक इस पैलेट को लेने के बाद ही मुझे पता चला है कि मेरे फेस के ऊपर कौन सा ब्लश अच्छा लगता है, बिकॉज इससे पहले मुझे समझ ही नहीं आता था मुझे कौन सा कलर पिकअप करना चाहिए. बट फाइनली आई नो, एंड अब जो लेफ्ट ओवर होगा ना, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ लगा दूंगी, बिकॉज मुझे ना एरिया फिर इनकम्प्लीट लगता है. बट यहाँ मैं एक्सेस नहीं लगाने वाली, एक्सेस को मैंने यहीं पर डिपॉजिट किया है. सेम ब्रश की टिप यूज करने वाली हूँ फॉर हाईलाइटर. अगेन हाईलाइटर इसी पैलेट में से होगा. मैं सिल्वर टोन हाईलाइटर ले रही हूँ. अगर आप वेडिंग मेकअप लुक सॉर्ट ऑफ कर रहे हो तो आप गोल्डन टोन ले सकते हो, लेकिन मैं सिल्वर टोन ले रही हूँ. सो मैं इसकी टिप टिप पे ये हाईलाइटर ऐसे करके लगाऊंगी, जस्ट लाइक दिस. एक्सेस को मैं डैब ऑफ कर देती हूँ, एंड जस्ट ऑन माई हाई पॉइंट्स हल्का हल्का ग्लिटरीनेस के लिए, बिकॉज जब तक ग्लो नहीं आता ना चीक्स के ऊपर, वो लगती नहीं है कि लुक कंप्लीट हुई है. इसका हाईलाइटर काफ़ी माइल्ड है. मैंने स्विस ब्यूटी के बहुत सारे हाईलाइटर पैलेट्स भी स्पेसिफिकली यूज़ किया, लेकिन इस पैलेट का जो हाईलाइटर है ना, वो काफ़ी जेंटल है, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है. यू कैन ऑल्सो डू कॉन्टोरिंग विद दिस पैलेट. इसमें कॉन्टोर शेड भी है, लेकिन मैं नहीं करती, आई एम नॉट अ कॉन्टोर पर्सन. मेरे इतने चबी चीक्स है ना, मैं कॉन्टोर चाह के भी नहीं निकाल पाती, और वो मैं वेडिंग लुक के लिए करती हूँ. ऐसे सॉर्ट ऑफ डेट सॉर्ट ऑफ लुक के लिए मैं एकदम ऐसे ही छोड़ देती हूँ, विच इज़ लाइक कम्प्लीट. नाउ मूविंग ऑन टू द लिपस्टिक पार्ट, आई बी यूजिंग दिस मार्स लिपस्टिक. ये मुझे न्यू रिसीव हुई है मार्स की, मैटिनी लिपस्टिक इन द शेड न्यूड फ्लर्ट, कुछ इस तरह की की कार्डबोर्ड सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग है. आई रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ द लिपस्टिक, बिकॉज लुक एट दिस, काफी लग्जूरियस इसकी पैकेजिंग है. ये कुछ ऐसे स्क्रू की तरह खुलती है, एंड दिस इज हाउ न्यूड फ्लर्ट लुक्स लाइक. बहुत प्यारा, एकदम प्रॉपर ब्राउन टोन न्यूड जो कलर होता है ना, वैसा कलर है. लगा के देखते हैं इस लुक पे जा रहा है नहीं जा रहा, बिकॉज जब तक मैं लिपस्टिक नहीं लगाती ना, मैं ऐसे आइडिया नहीं दे सकती कि ये सूट करेगा फिर वो सूट करेगा. सो अप्लाई करके देखते हैं. इसकी ऊपर की शेप भी काफी सही है, बहुत अच्छी डिफाइंड इसकी शेप है, एंड इट ग्लाइड्स ऑन लाइक बटर. आई रियली लाइक इट.
ओके इट्स अ प्रिटी न्यूड कलर, लेकिन इस लुक के साथ नहीं जा रहा। अगर आप कुछ फॉर्मल लुक करने वाले हो ना, बिल्कुल ब्लैक स्मोकी आइज करने वाले हो, तो ये शायद चल जाएगा, लेकिन पिंकी टोन जो हमारा मेकअप लुक है ना, उसके साथ ये न्यूड कलर नहीं जा रहा। सो आई विल बी यूजिंग माय फेवरेट स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक इन द शेड मॉव ब्लश। ये स्विस ब्यूटी की HD मैट लिपस्टिक, और ये जो मॉव ब्लश शेड है ना, ये तो मेरा अल्टीमेट फेवरेट शेड है, आई जस्ट लव इट। सो मैं इसी को टॉप अप कर लेती हूँ। आई लव लेयरिंग लिपस्टिक बिकॉज उसे लिप्स भी एकदम प्लम रखते हैं, और लिपस्टिक मेरी ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करती है। वैसे ये शेड काफी पिंकी टोन में है, लेकिन मैंने न्यूड लगाया था ना बेस पे, तो ये भी काफी सटल डाउन हो गया, बट आई रियली लाइक इट। एंड विद दिस आवर लुक इज कंप्लीट। मेरी बैटरी लो। एंड विद दिस आवर फाइनल लुक इज कंप्लीट। आई एम रियली सॉरी माई कैमरा बैटरी डाइड, इसलिए मैं फोन से शूट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आपको फाइनल लुक दिखा रही थी, लेकिन फोन से भी एकदम क्लियर दिख रहा है। यू कैन सी बहुत अच्छा मेकअप लुक निकल के आया है। हाईलाइटर इज नाइस पॉपिंग, डे टाइम नाइट टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट पिंकी मेकअप लुक जैसा होता ना, वैसे निकल के आया। रियली लाइक द फाउंडेशन। ट्रस्ट यू, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं मेबेलिन सुपरस्टार अभी लेके आई थी अपने साथ कि अगर ये वर्कआउट नहीं करता तो मैं वही अप्लाई करूंगी, बट ये एक्चुअल में बहुत अच्छा निकला। मैंने कोई भी करेक्टर नहीं यूज किया, ऑरेंज करेक्टर, कलर करेक्शन नहीं करी, कंसीलिंग नहीं करी, मैंने खाली यही एक फाउंडेशन यूज किया। यू कैन सी द कवरेज। मेरे जितने भी एक्ने मार्क्स या फिर स्कारिंग भी थी ना, वो भी इसने अच्छे से फिल अप कर दी। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। माय हॉल स्टोर का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, यू कैन शॉप ऑल ऑफ दीज वेरी इजिली। मैं ब्रशेस के भी लिंक डाल दूंगी जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड। एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू लाइक दिस लुक और नॉट। ट्रस्ट मी, मैं मेकअप पे इतनी कोई अच्छी न्यू प्रोफेशनल नहीं हूं। मुझे टाइम लगता है मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए, स्पेशली जब शूट करो, बट फॉर यू गाइज आई एम ब्रशिंग अप माई स्किल्स। मेरा मेन काम वैसे रिव्यू करना है। आई होप मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू आप सबके लिए अच्छे से कर दिया होगा, बट डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस कंप्लीट लुक और नॉट। बाय द वे, अभी तक भी कोई फाउंडेशन की ट्रांसफरिंग या फिर ग्रीसीनेस नहीं फील हो रही, लेकिन अगर आप इस लुक को मास्क प्रूफ बनाना चाहते हो या फिर लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, कशिका ज्ञान राइट हेयर मेकअप सेटिंग स्प्रे प्लीज यूज कर लो। बहुत अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे आपको निक्स के, मेबेलिन के मिल जाते हैं। मैं लिंक कर दूंगी अगर कोई अच्छा मिलेगा मुझे अमेजोन पे डील पे, आप वो अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका मेकअप अच्छे से मास्क प्रूफ हो जाए, प्लस लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए भी चले। बट ओवरऑल आई रियली लाइक इट। अगर आप कोई प्रोडक्ट भी लेते हो ना, प्लीज टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे रिव्यू सजेशन आपके काम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।